नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सीमांत अवशोषण एवं अंतर्लागत, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन आज हल करते हैं। क्वेश्चन है, क्षमता का स्तर 80% और उत्पादन है 40 लाख इकाइयाँ। 80% स्तर पर जो उत्पादन है वह है 40 लाख इकाइयाँ। 80% स्तर पर जो लागत है उसका विवरण दिया हुआ है। सेल्स दी गई है 5 करोड़ रुपए की। सेल्स जो दी गई है 5 करोड़ रुपए की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 2 करोड़ रुपए के। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 1 करोड़ रुपए के। सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल एक ही बात है। अर्ध परिवर्तनशील व्यय हैं ये सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो 1 करोड़ रुपए के हैं। और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 1 करोड़ 50 लाख रुपए के। आगे लिखा है, अर्ध परिवर्तनशील लागतों यानी जो सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अर्ध परिवर्तनशील लागतों का 50% भाग स्थिर है। 50% भाग इनमें से स्थिर है और 50% जो है वेरिएबल है। आपको ज्ञात करना है 100% स्तर पर उत्पादन की अंतर लागत। अंतर लागत ज्ञात करनी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, 80% 100%, इन दोनों कैपेसिटी पे हमको लागत ज्ञात करनी है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, 80% पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 40 लाख इकाइयों का, और 100% स्तर पर उत्पादन देखना है तो 100% पर होगा 50 लाख इकाइयों का उत्पादन। उत्पादन लागत ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस 80% पर वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 1 करोड़ 50 लाख रुपए के। 80% पर 1 करोड़ 50 लाख के हैं। अगर 40 लाख इकाइयों का उत्पादन होता है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं 1 करोड़ 50 लाख के। 40 लाख इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तो 3.75 रुपये पर यूनिट जो है वेरिएबल एक्सपेंसेज है। वेरिएबल एक्सपेंसेज एट द रेट 3.75 रुपीज़ पर यूनिट, और इसको 50 लाख इकाइयों से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आएगा 1,87,1,87,50,000। तो वेरिएबल एक्सपेंसेज 80% कैपेसिटी पे जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो 40 लाख इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, और जो वेरिएबल एक्सपेंस से जा रहे हैं 1 करोड़ 50 लाख के। 100% कैपेसिटी पे हम 50 लाख इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और वेरिएबल एक्सपेंस से जा रहे हैं 1 करोड़ 87,50,000 के। अब देखेंगे, अब हम ले लेते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस चाहे उत्पादन 80% पर किया जाए, चाहे उत्पादन 100% पर किया जाए, या अन्य किसी स्तर पर उत्पादन किया जाए, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं 2 करोड़ रुपए के, ये स्थायी रहेंगे। उत्पादन की मात्रा का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 करोड़ के जो हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। 80% कार्य क्षमता पर जब काम कर रहे थे तो 2 लाख रुपए स्थायी व्यय आ रहे थे, और अगर अतिरिक्त 20% अतिरिक्त बढ़ाया जाए यानी कि 40 लाख इकाइयों से 50 लाख इकाइयों का उत्पादन कर दिया जाए, 10 लाख इकाइयां बढ़ा दी जाए, तो भी इन 10 लाख इकाइयों पर स्थायी व्यय का अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं आएगा। स्थायी व्यय तो 2 करोड़ रुपए के ही रहेंगे। इन पर अतिरिक्त कोई भार नहीं आएगा। जो अतिरिक्त भार आएगा, अतिरिक्त जो खर्चा आएगा इन 10 लाख इकाइयों के उत्पादन का, वो केवल वेरिएबल एक्सपेंसेज ही आएंगे। स्थायी व्यय तो उतने के उतने रहेंगे, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी स्थायी व्यय में।
अब बात करते हैं सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इनमें वेरिएबल है और एक है फिक्स्ड पार्ट है। अर्ध परिवर्तनशील लागतों का 50% भाग स्थिर है, यानी 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए स्थिर है, फिक्स्ड है, और 50 लाख रुपए वेरिएबल है। अब 40 लाख इकाइयों के उत्पादन, 50 लाख रुपए के सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वेरिएबल हैं, तो 50 लाख का खर्चा आता है 40 लाख इकाइयों के उत्पादन पे, तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं एट द रेट 1.25 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 1.25 रुपया पर यूनिट है सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस में से, 1.25 रुपये को 50 लाख से गुणा कर देंगे तो 62,50,000 रुपये आ रहा है 50 लाख इकाइयों के उत्पादन के लिए, और यहाँ पर ये 50 लाख रहेंगे। टोटल कॉस्ट आ रही है 3.45 करोड़ चार करोड़ पचास लाख की टोटल कॉस्ट आ रही है 80% कैपेसिटी पे। अगर 40 लाख इकाई का उत्पादन किया जाए तो जो टोटल कॉस्ट आती है 4.50 करोड़ की। तो जब 40 लाख इकाई उत्पादन की जा रही है तो टोटल कॉस्ट आ रही है 4.50 करोड़, और जब 50 लाख इकाई उत्पादन की जा रही है तो टोटल कॉस्ट आ रही है 5 करोड़ की। पूछा है 100% स्तर पर उत्पादन की अंतर लागत डिफरेंशियल कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे। प्रोडक्शन हो रहा है 10 लाख इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, 37 लाख 50 हज़ार की अंतर लागत तो है वेरिएबल एक्सपेंसेस में, 1.87 लाख 50 हज़ार माइनस 1.50 करोड़, तो 37 लाख 50 हज़ार की तो अंतर लागत आ रही है वेरिएबल एक्सपेंसेस में अगर 10 लाख इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन किया जाए तो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में किसी प्रकार की अंतर लागत नहीं है, सेमी फिक्स्ड में वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर 12 लाख 50 हज़ार की अंतर लागत आ रही है। जो अंतर लागत आएगी, डिफरेंशियल कॉस्ट जो आएगी, वो केवल परिवर्तनशील व्यय में ही आएगी। स्थायी व्यय तो फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो इनमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती अगर उत्पादन स्तर को बढ़ाया जाए तो। और स्थायी व्यय जो है, जो सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस का जो स्थायी भाग है वो तो स्थिर रहेगा, तो कुल मिलाकर जो अंतर लागत आ रही है वो आ रही है 50 लाख रुपये। तो अगर 80% से उत्पादन स्तर को 100% तक बढ़ाया जाए, यानी कि 10 लाख इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन किया जाए, तो जो अंतर लागत आएगी वो आएगी 50 लाख रुपए की। तो आपको ज्ञात करना है, तो ए हमने ज्ञात कर लिया 100% स्तर पर उत्पादन की अंतर लागत, तो 100% स्तर पर उत्पादन की अंतर लागत है 50 लाख रुपये। बी है अतिरिक्त इकाइयों के लिए निर्यात मूल्य का सुझाव यदि लागत पर 10% लाभ कमाना हो। जो अतिरिक्त इकाइयां हैं, ये 10 लाख जो अतिरिक्त इकाइयां उत्पादित की हैं, पहले 40 लाख इकाइयों का उत्पादन हो रहा था, अब हमने उत्पादन कर दिया 50 लाख इकाइयों का, तो जो अतिरिक्त इकाइयां उत्पादित की जा रही हैं 10 लाख, उनके लिए निर्यात मूल्य का सुझाव मांग रहा है। तो इन 10 लाख इकाइयों की लागत कितनी आ रही है, अगर 10 लाख इकाइयों का और उत्पादन किया जाए, अतिरिक्त उत्पादन किया जाए, तो जो अंतर लागत आ रही है वो आ रही है 50 लाख की। तो निर्यात मूल्य का सुझाव मांग रहा है यदि लागत पर 10% लाभ कमाना हो, तो लागत आ रही है 50 लाख रुपए की, तो एक्सपोर्ट प्राइस अगर पूछ रहा है, एक्सपोर्ट प्राइस हो जाएगा 50 लाख तो लागत आ रही है, और इस 50 लाख पर 10% लाभ कमाना है × 10%, तो ये हो जाएगा 50 लाख प्लस
5,55,000 रुपये। अतिरिक्त इकाइयों के लिए निर्यात मूल्य होना चाहिए 55,00,000 रुपयों का, क्योंकि इनके उत्पादन पर लागत आएगी 50,00,000 और जो है 10% लाभ कमाना है। चैप्टर नंबर 5 सीमांत अवशोषण एवं अंतर लागत। इस चैप्टर में से 11वां क्वेश्चन, कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता को 150,000 इकाई प्रतिवर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया। वर्तमान स्तर पर संबंधित समंक, जो वर्तमान स्तर है कंपनी का वो है 1,50,000 इकाइयों का। अभी कंपनी द्वारा 150,000 इकाइयां उत्पादित की जा रही है और कंपनी ऐसा चाहती है कि प्रतिवर्ष 150,000 इकाइयां बढ़ाई जाए उत्पादन में। जैसे इस वर्ष 150,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, अगले वर्ष 3,00,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, उसके अगले वर्ष 4,50,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार से प्रतिवर्ष जो है 150,000 इकाइयां बढ़ाई जाए उत्पादन में, और अभी वर्तमान में 150,000 इकाइयां उत्पादित की जा रही है। वर्तमान स्तर पर संबंधित समंक दिया हुआ है। विक्रय मूल्य प्रति इकाई है 27 रुपये। परिवर्तनशील लागतें हैं 20 रुपये प्रति इकाई। स्थिर लागतें हैं 8,50,000। नीचे सूचना दी गई है, विक्रय एवं उत्पादन को प्रतिवर्ष 150,000 से 5 वर्ष तक बढ़ाना है, मतलब 5 सालों तक प्रत्येक वर्ष जो है 1,50,000 इकाइयां उत्पादन में बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक स्तर पर विक्रय मूल्य में ₹1.50 की कमी। देखिए, अगर अधिक बिक्री करनी होगी तो विक्रय मूल्य को कम करना होगा। अभी 1,50,000 इकाइयाँ बेची जा रही है 27 रुपये पर, अगर 3,00,000 इकाइयों का उत्पादन करना होगा तो फिर जो है विक्रय मूल्य में 1.5 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। तो हर एक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर विक्रय मूल्य में 1.50 रुपये की कमी की जाएगी। प्रत्येक स्तर पर विक्रय मूल्य में 1.50 रुपये की कमी एवं परिवर्तनशील लागतों में 4,50,000 इकाइयों या अधिक उत्पादन पर 10% की कमी होगी। जब उत्पादन का स्तर 4,50,000 इकाइयां या उससे अधिक हो जाएगा तब जो है प्रत्येक स्तर पर परिवर्तनशील लागतों में 10% की कमी होगी। प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना एवं बताइए किस स्तर पर उत्पादन करना श्रेष्ठ होगा। तो प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना करनी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, पहला स्तर है 150,000 इकाइयों का, 150,000 इकाइयों का। फिर दूसरा स्तर हो जाएगा दूसरे वर्ष 3,00,000 इकाइयों का। फिर 4,50,000 इकाइयां उत्पादित की जाएगी। 5 वर्षों तक बढ़ाना है तो 5 स्तर होंगे, फिर हो जाएगी 6,00,000 इकाइयां और 5वां स्तर हो जाएगा 7,50,000 इकाइयों का। तो ये जो है उत्पादन के 5 स्तर होंगे। प्रत्येक वर्ष 1,50,000 इकाइयां, 150,000 इकाइयां बढ़ाई जाएंगी तो 5 स्तर 5 वर्षों तक बढ़ाई जाएगी तो 7,50,000 तक जो है उत्पादन किया जाएगा। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट देख लेते हैं। अभी है 27 रुपये। बात हो रही है कि प्रत्येक स्तर पर विक्रय मूल्य में 1.50 रुपये की कमी की जाएगी। तो अब 3,00,000 जब इकाइयों का विक्रय किया जाएगा तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 25.50 रुपये, फिर होगा 24 रुपये। 1.50 रुपये की कमी होती जाएगी। इसके बाद 22.50 रुपये और फिर 21 रुपये। क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक स्तर पर विक्रय मूल्य में 1.50 रुपये की कमी होगी। तो 27 रुपये विक्रय मूल्य है प्रति इकाई 1,50,000 इकाइयों पर। जब 3,00,000 इकाई का उत्पादन किया जाएगा तो 1.5 रुपये की कमी हो जाएगी, 1.50 रुपये की कमी हो जाएगी और विक्रय मूल्य हो जाएगा 25.50 रुपये। फिर अगले स्तर पर फिर से 1.50 रुपये कमी होगी तो 25.50 रुपये की जगह विक्रय मूल्य हो जाएगा 24 रुपये। तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा। अब ज्ञात कर लेते हैं सेल्स इन रुपीज। टोटल सेल्स देखते हैं तो गुणा करते जाएंगे। 150,000 को
गुणा करेंगे 27 रुपए से, तो आता है 40,50,000। 40,50,000। 3 लाख को, 3 लाख इकाइयों को, 3 लाख इकाइयों को गुणा करेंगे 25 रुपये 50 पैसे से, तो आता है 76,50,000। विक्रय होगा 76,50,000 रुपये का। 4,50,000 को गुणा किया जाएगा 24 रुपये से, तो आता है 1,08,00,000 रुपये का विक्रय। 6 लाख को गुणा किया जाएगा 22 रुपये 50 पैसे से, तो आता है 1,35,00,000। 1,35,00,000। 7,50,000 को गुणा करें 21 रुपये से, तो आता है 1,57,00,000। 1,57,50,000। ये हमारी सेल्स हो गई। सेल्स को कब को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस है 20 रुपये प्रति इकाई, तो 1,50,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,50,000 को गुणा करेंगे 20 से, तो आता है 30,00,000। 3 लाख को गुणा करेंगे 20 रुपये से, तो आता है 60,00,000। बात हुई है कि 4,50,000 इकाइयों या अधिक उत्पादन करने पर जो है परिवर्तनशील लागतों में 10% की कमी हो जाएगी। यानी अभी परिवर्तनशील लागतें हैं 20 रुपये प्रति इकाई, तो 20 रुपये प्रति इकाई में 10% की कमी होगी, यानी 2 रुपये की कमी हो जाएगी, तो परिवर्तनशील लागतें यहाँ पर जो है 18 रुपये हो जाएगी। ये जो गुणा हो रहा है, ये हो रहा है 1,50,000 × 20, ये 3,00,000 × 20, ये होगा 4,50,000 × 18। 10% की कमी हो जाएगी, 20 रुपये का 10% हो जाएगा 2 रुपया, तो अब जो है परिवर्तनशील लागत आएगी 18 रुपये। तो 4,50,000 को 18 से गुणा किया, 81,00,000। 6 लाख को 18 से गुणा किया, तो आता है 1,08,00,000। 6 लाख 18 से गुणा हो गया, और 7,50,000 को 7,50,000 को 18 से गुणा किया, तो आता है 1,35,00,000। 1,35,00,000। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रत्येक स्तर पर लाभों की गणना कीजिए, प्रत्येक स्तर पर लाभों की गणना करनी है। तो पहले हमने सेल्स ज्ञात कर ली, बिक्री ज्ञात कर ली, और अब हम टोटल कॉस्ट ज्ञात कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट के लिए परिवर्तनशील लागतें हैं वो हमने ज्ञात कर ली, अब स्थिर लागतें हैं। तो स्थिर लागतें स्थिर रहती है चाहे उत्पादन कितना ही किया जाए। तो फिक्स्ड कॉस्ट, उत्पादन की मात्रा का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये फिक्स रहेंगी कि प्रत्येक स्तर पर 8,50,000 रुपये की ही रहेंगी। का टोटल कर लेते हैं, का टोटल किया जाएगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आएगी इसकी 38,50,000, ये आ जाएगी 68,50,000, 89,00,000,
50,000, 1,16,00,000, 1,16,00,000, 50,000, और ये आएगी 1,83,00,000, 43,50,000। ये टोटल कॉस्ट आ गई। लाभ ज्ञात करना है तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ए माइनस बी। आ रहा है यहाँ पर 2,00,000 रुपए का, 76,50,000 में से 68,50,000 गए, 8,00,000 रुपए का प्रॉफिट। 1,08,00,000 में से 89,50,000 गए तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 18,50,000 का। 1,35,00,000 में से 1,16,50,000 गए तो प्रॉफिट आ रहा है 18,50,000 का। और 1,57,50,000 में से 1,43,50,000 गए तो प्रॉफिट आ रहा है 14,00,000 रुपए का। 1,08,00,000 में से 89,50,000 गए, प्रॉफिट आता है 18,50,000। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना, तो प्रत्येक स्तर पर लाभ ये होंगे, इस प्रकार होंगे 2,00,000 रुपये, 8,00,000 रुपये, 18,50,000, 18,50,000 और 14,00,000 रुपये। पूछा है बताइए किस स्तर पर उत्पादन करना श्रेष्ठ होगा। जिस स्तर पर लाभों की मात्रा ज़्यादा होगी, जिस स्तर पर लाभ ज़्यादा कमाए जाएंगे, उसी स्तर पर उत्पादन करना श्रेष्ठ होगा। तो उत्पादन इन दो स्तरों पर किया जाना चाहिए, या तो 4,50,000 इकाइयों का उत्पादन कर लिया जाए या फिर 6,00,000 इकाइयों का उत्पादन कर लिया जाए। इन दोनों स्तरों पर लाभ जो है समान होंगे और अधिकतम होंगे, 18,50,000 रुपये के लाभ कमाए जा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये जो चैप्टर है 5 नंबर सीमांत अवशोषण एवं अंतर लागत, ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।